साथियों से कहना है कि ये जो सिस्टम है आरसीएम का सिस्टम है, ये एक व्यापार की नई प्रणाली है। परंपरागत प्रणाली की बजाय ये एक डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है, जिसमें व्यवस्था को थोड़ा सा बदला गया है। उस व्यवस्था में पैसा जो है कुछ हाथों में जाता है, उसी पैसे को इसने एक नए सिस्टम के तहत करके और बहुत सारे हाथों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। पुरानी व्यवस्था में ग्राहक को कोई ज्यादा महत्व तो नहीं दिया जाता है, बिजनेस का पार्टनर नहीं बनाया जाता है, पर इस व्यवस्था में ग्राहक को ही पार्टनर, ग्राहक मुख्य भूमिका में आ जाता है। इसमें उसमें कोई भूमिका नहीं होती है, पर इसमें मुख्य भूमिका में आ जाता है और उसको पूरा लाभ का हकदार। पर उसको लाभ को लेने के लिए ग्राहक को जो काम करना होता है वो छोटा सा काम होता है। एक तो खुद के प्रोडक्ट का उपयोग, दूसरा कुछ प्रोडक्ट दूसरे लोगों के साथ थोड़ा शेयर करना, सेल करना, और तीसरा काम होता है अपने नए ग्राहकों से कंपनी को के साथ जोड़ना, ताकि वो बहुत सारे ग्राहक जो है कंपनी से डायरेक्ट जुड़ जाए। तो उसमें ग्राहकों का ही रोल रहता है कि और ग्राहकों को वो इस तरह से और ग्राहक बनाते रहे। तो जिसके थ्रू जो भी ग्राहक बनते हैं उसका लाभ का हिस्सा उनको मिलता रहता है। इस तरह से बहुत ही व्यवस्थित और बहुत शानदार और इतनी जबरदस्त ये प्रणाली है कि इसके मुकाबले कोई लाभदायक ग्राहक के लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। और हिंदुस्तान में तो ज्यादातर जो आम आदमी के पास कोई बहुत बड़ा बिजनेस होता नहीं है, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इस माध्यम से वो कितना भी काम कर सकते हैं। उनको कोई न दुकान लगानी, न फैक्ट्री लगानी, न इन्वेस्टमेंट करना, न जोखिम लेनी, न लाइसेंस लेना, कुछ भी नहीं करना है। केवल सिंपल छोटे छोटे से काम करने, प्रोडक्ट उपयोग करना, प्रोडक्ट की बात करना, प्रोडक्ट को सेल करना और उन ग्राहकों से परिचय करवाना कंपनी का। तो ये एक बहुत ही इजी तरीके से बहुत बड़ी व्यवस्था को अंजाम दिया जा सकता है। इस व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए आरसीएम ने बहुत सारे बेहतरीन कदम उठाए हैं, जो पहली बार हिंदुस्तान में हुआ है कि इस व्यवस्था में पहले जो होता था वो महंगे प्रोडक्ट बेचे जाते थे, पर आरसीएम ने पहली बार आम तौर पर जो काम आने वाले प्रोडक्ट और आम रेटों में उपलब्ध कराए, यानी जो नॉर्मल प्रोडक्ट जो हम रोजमर्रा जो इस्तेमाल करते हैं और रोजमर्रा जिन रेटों में खरीदते हैं, उन्हीं रेटों के प्रोडक्ट आरसीएम ने इसमें जारी किए। और इसके लिए बहुत सारी कड़ी मेहनत की गई, बहुत सारी तैयारियां की गई, खुद की उत्पादन इकाइयां लगाई गई और बहुत सारा मैनेजमेंट, बहुत कुछ डेवलप किया गया। एक ही मकसद रखा गया कि आरसीएम ने ऐसी प्रोडक्ट रखनी है जो आम आदमी आराम से खरीद सके और उस पर काम कर सके। तो ये एक इस व्यवस्था में एक बहुत बड़ी ताकत आ चुकी है कि आरसीएम ने इस सिस्टम को बहुत ही बेहतरीन बना दिया आम आदमी के लिए, कोई भी आराम से इसको कर सकता है। तो अब बस आप सभी साथियों के इस व्यवस्था में हार्दिक स्वागत है। बहुत बड़ी प्रोडक्ट की रेंज है, पूरा बहुत बड़ा सिस्टम है, पूरे देश में वितरण व्यवस्थाएं हैं, 160 से 70 डिपो है, 10,000 से ज्यादा जो है इसके डिलीवरी सेंटर्स है। आरसीएम वंडरवर्ल्ड क्विक और वंडरवर्ल्ड के नाम से या पीयूसी के नाम से जो भी है, और डिस्प्ले वाल के रूप में और घरों घरों में प्रोडक्ट उपलब्ध है। यानी उपलब्धता व्यापक है, प्रोडक्ट की क्वालिटी जबरदस्त है, रेट ही बहुत रीजनेबल है, पूरा सिस्टम बहुत मजबूत सिस्टम है, 21-22 सालों का बहुत गहन अनुभव है और पूरा का पूरा सिस्टम बहुत और वैल्यूज के साथ, नैतिक मूल्य के साथ ही चलाया जाता है, अच्छी एजुकेशन दी जाती है अच्छे। तो आप सभी साथियों का तहे दिल से इस सिस्टम में स्वागत, केवल शब्दों का नहीं है बल्कि ये सिस्टम में स्वागत हम इस रूप में करना चाहते हैं कि आप भी इस सिस्टम को समझें, आए और आप भी अपनी जिंदगी को उन्नति की ओर ले जाएंगे। और जैसा कि मैंने बताया, करना क्या है कि सिर्फ आपको प्रोडक्ट का इस्तेमाल अच्छे से करना है और उन प्रोडक्ट की ताकत को समझना है, उन्हीं प्रोडक्ट की थोड़ी थोड़ी सेल स्टार्ट करनी है, थोड़ी सी बिक्री आपको प्रारंभ करनी है, जिसको धीरे 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 करते करते आपको अभ्यास के साथ बढ़ाते जाना है, जिसकी पूरी ट्रेनिंग एजुकेशन यहाँ बहुत लगातार मिलती है, पूरा सपोर्ट मिलता है, अपलाइनों का सपोर्ट मिलता है। दुनिया में कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है जिसमें इतने लोगों का सपोर्ट और ये सब व्यवस्थाएं मिलती है। तो इस व्यवस्था में आप साथी आपका स्वागत है, आप भी ये सारी गतिविधियां प्रारंभ करें, निरंतर प्रोग्रामों में आए, ट्रेनिंग लें, एजुकेशन लें, प्रोडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्रामों में आए और सेल प्रारंभ करें और अपलाइन की गाइड किए रास्ते को आप अख्तियार करते हुए धीरे 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 करते आप भी आगे बढ़े, आप भी लॉयल्टी पर आए, आप भी टेक्निकल बने और धीरे धीरे एक बहुत बड़ी सफलता की ओर बढ़े। ये आपको एक इन्विटेशन है, एक आमंत्रण है आप सभी साथियों को। तो हम और भी साथियों से कुछ बात सुनेंगे जो आपको और भी वो कुछ अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, फिर हम आपके मुंह से भी सुनना चाहेंगे। Yes, साथियों को हम ये बता देना चाहते हैं कि निरंतर कार्यशाला चलती है सुबह और शाम, ताकि आरसीएम की रियल एजुकेशन जो आप अच्छी तरह से ले सके और उसको अपने जीवन में उतार सके। तो आप सब इसमें लगातार आएंगे तो आपको बेहतरीन रास्ता आराम से मिल सकता है। सभी नए साथियों से सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं अगर अपनी बात करूं सर, तो मैं इस बिजनेस में आया था जब,
थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ ताकि नए साथी थोड़ा सा समझ पाएंगे इसको, कि मैं 2017 में आया था इस बिजनेस में। इससे पहले मैं दुबई में जॉब करता था एज अ मैकेनिकल इंजीनियर, और उसको छोड़ के मैं इस बिजनेस में इसलिए आया था क्योंकि मुझे इसका विजन समझ में आ गया था। और जैसे हम लोग बात करते हैं रॉयल्टी इनकम की, जो हमें इस बिजनेस में मिलती है, जो बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को चाहिए होती है, लेकिन रॉयल्टी इनकम पाने के लिए एक स्पेसिफिक जो क्राइटेरिया है उसको हम लोग सब लोग नहीं फिल कर सकते, भारत के 80-90% लोग जो हैं। लेकिन हर कोई ये चाहता है कि उनको एक ऐसी रॉयल्टी इनकम मिले जहां से कि उनकी जनरेशन दर जनरेशन जो है ना सिक्योर हो सके। तो ये अपॉर्चुनिटी मुझे पहले समझ आ गई थी कि डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत जबरदस्त इंडस्ट्री है जहां पे हम अपने करियर को बना सकते हैं और एक नेम फेम कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने रिसर्च किया कि कौन सी कंपनी में करूं, तो मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि एक ऐसी कंपनी में हम काम कर रहे हैं जो कि ना सिर्फ इंडिया के लोगों के लिए काम कर रही है बस, बल्कि कि यह आने वाले टाइम में हम लोग जब एक्सपेंड करेंगे तो पूरे विश्व में हम जाने जाएंगे। और इंडियन रेट, इंडियन मेंटालिटी और इंडियन कल्चर को अगर कोई कंपनी फॉलो करती है, जैसा हमारे रिस्पेक्टेड टीसी सर कहते भी हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स कोई कंपनी सोच भी नहीं सकती जैसा आरसीएम ने लाकर दिखा दिया है। तो ये जो है ना, ये एक बहुत बड़ा विजन था। मुझे समझ आया कि हम लोग नेटवर्क बना रहे हैं, तो नेटवर्क जिनका जितना बड़ा होगा ना, उनका टर्नओवर उतना बड़ा होगा। और आरसीएम के पास ऐसे प्रोडक्ट है ना सर कि आप ना चाहो तब भी आपका टर्नओवर बड़ा हो जाएगा अपने आप, क्योंकि यहाँ पे जरूरत की चीजें नहीं, मजबूरी में इस्तेमाल करने वाली चीजें मिलती है। क्योंकि नमक के बिना हम जी नहीं सकते, नमक हमारी जरूरत नहीं, मजबूरी है। चाय की पत्ती लोग मजबूरी में यूज करते हैं, पीना जरूरी है उनके लिए। आटा मजबूरी है खाना, दाल मजबूरी है खाना। तो इस विजन के साथ में आया कि इंडस्ट्री बहुत बढ़िया और आरसीएम एक ऐसी कंपनी है जहां पर हम अपना करियर को बढ़िया से बिल्ड कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से एक पैसिव इनकम का सोर्स जनरेट कर सकते हैं। और हम सब लोग जानते हैं, आज जो हमारे नए साथी हैं, मैं उन सभी से कहना चाहता हूं कि सर दुनिया में जितने भी लोग कामयाब हुए हैं ना, उन सब लोगों ने नेटवर्क बनाया है, उन सब लोगों ने नेटवर्क बनाया है। एक बार मैं रतन टाटा का इंटरव्यू पढ़ रहा था, वहां पर उन्होंने उनसे पूछा गया कि आपने ये टाटा की ट्रक बनाते बनाते चाय और नमक क्यों बना दी। तो रतन टाटा सर का जो जवाब था ना, वो बहुत इंस्पायर करने वाला था। उन्होंने बोला कि इस लॉकडाउन में मेरी जो है ना टाटा की ट्रक लगभग ना के बराबर बिकी है, लेकिन टाटा की नमक और चाय भारत के हर घरों में गई है। तो हम इस बिजनेस में हैं जहां पर लोगों को इसके प्रोडक्ट यूज करना मजबूरी है। तो आप बखूबी इसके प्रोडक्ट का लोगों तक पहुंचाने का काम करें सर, और इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लोग इंतजार कर रहे हैं। हमने पिछले 5 सालों में देखा है कि किस तरीके से लोग इंतजार कर रहे हैं। और अब 2022 से तो असल में नेटवर्क मार्केटिंग शुरू हुई है, असल में आरसीएम का जो है ना, अब हमने जवानी देखना शुरू किया है। अब तो ऐसी रफ्तार हमारी ग्रोथ की आ रही है कि जहां पर जाओ बस आरसीएम ही आरसीएम नजर आ रहा है। तो इस विजन के साथ मैंने काम करना शुरू किया। जब मैं पहले काम करता तो मेरे घर से विरोध हुआ, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ कि कई ऐसे गवर्नमेंट जॉब में मेरे रिश्तेदार थे जिन्होंने मुझे कहा था शुरू में कि बेटा तुम ये कर लो, कुछ नहीं होगा, तुम बेकार करके चले आए वहां से, ये छोड़ के आ गए, वो छोड़ के आ गए। लेकिन मैंने कभी उनको उल्टा के जवाब नहीं दिया कि हाँ ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और आज इस सिस्टम की खूबसूरती है, इस बिजनेस का कमाल है कि वो सारे रिश्तेदार मेरे साथ आके आज काम कर रहे हैं और हाथ बढ़ाकर हमारे साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो इस बिजनेस की खूबसूरती है, शुरुआत में आपको जो है ना विरोध का सामना करना पड़ेगा, लेकिन एक इतना महान सिस्टम है ना, अगर आप सिर्फ टिके रहे तो फिर ये पूरी दुनिया आपके सामने लाके खड़ा कर देगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे मौका दिया थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करने का। तो मैंने नए लोगों को बताया कि क्यों मैंने आरसीएम को चुना, क्योंकि आरसीएम में सिर्फ पैसा तो बहुत सेकेंडरी चीज है सर, पैसे के अलावा जो चीजें मिलती है ना, जो कहीं नहीं मिलती, लोगों का प्यार सम्मान, ये सारी चीजें पैसों से नहीं खरीदी जा सकती, करोड़ों रुपए से भी नहीं खरीदी जा सकती जो ये सिस्टम हमें देता है। इसलिए मैं सभी से कहना चाहता हूँ, इस बिजनेस को करें ना तो अपने लिए ना करें, अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए करें। क्योंकि आने वाला जो टाइम है ना सर, एक तो बेरोजगारी बढ़ रही है, दूसरा ये कोरोना ने समझा दिया है कि हमको क्यों जरूरत है एक ऐसे बिजनेस की, क्यों जरूरत है एक ऐसे सोर्स ऑफ इनकम की जिस पर किसी मंदी और महामारी का असर ना होता। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमें समझने के लिए कि आरसीएम को क्यों करना जरूरी है। तो मेरी बात यहीं पे खत्म होती है, मैं और भी कुछ साथियों को लेना चाहता हूं। सर अब ले लें दूसरे साथी को। बिल्कुल बिल्कुल अमीर सवाल जी, आपने बहुत कम समय में पूरी मतलब जीवनी बता दी सिस्टम की। वाकई में आपने जो कहा, हमारे साथ भी वही घटना हुई है, और ये एक ऐतिहासिक बोला जाए तो है सर कि आज हम जिस रूप में देख रहे हैं, जिस स्थिति देख रहे हैं, पूरी विश्व की स्थिति देख रहे हैं, उस स्थिति में हमें स्थायी रूप से ऐसी कोई समाधान नजर नहीं आ रही। और जो आज ये प्लेटफॉर्म हमें मिला है, इसमें एक नीचे से नीचे स्तर के लोग अगर चाहे तो पूरी समाज का भला करते हुए इस जीवन का एक अमूल्य जिसको बोला जाता है सिक्योरिटी, वो यहां से प्राप्त कर सकता है स्वास्थ्य के साथ। तो आज हम दो साथी को लेकर बैठे हैं, एक का नाम है आपका धीरेन्द्र कुमार रविदास और दूसरे का रवि कुमार है। ये दोनों को मैंने प्लान दिखाया और बहुत एक्साइटेड हुए और एक प्रोग्राम में भी गए मिश्रा थे। आज ही इन दोनों की एक की ज्वाइनिंग हो गई है, एक की पेपर मिली है, और इन्होंने लगभग 3 महीने से लगातार प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है। तो मैं इन्हीं से चंद बातों को सुनना चाहूंगा सर, सर आपके सामने। नमस्कार सर, मेरा नाम धीरेन्द्र रविदास है और मैं सर पिछले 6 महीना से जो मैं आरसीएम का प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, और फिर मैंने देखा है कि इनका सामान जो है आरसीएम का अच्छा है, और इसके बाद फिर मैं सरवन सर को बोला कि मुझे जो है इसमें ज्वाइनिंग कर दीजिए।
बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है आपका, आप यूज करें और आगे बढ़े। थैंक यू सर। आगे हम लोग लेते हैं प्रियांशु सर को। सर अगर आप नेटवर्क में हो तो एक बार अनम्यूट करें। थैंक यू सो मच। मेरी आवाज आ रही है आमिर सर? यस सर बिल्कुल। थैंक यू सो मच साथियों, मेरा नाम प्रियांशु वर्मा है और मैं भी नेटवर्क मार्केटिंग को सीख रहा हूँ, कर रहा हूँ। और जैसे आमिर सर ने अपनी स्टोरी सुनाई, तो मैं भी एक यूथ हूँ और आज जॉब के साथ इस बिजनेस को कंटिन्यू कर रहा हूँ। एमबीए की पढ़ाई करने के बावजूद मैं अपने जॉब से ज्यादा आरसीएम को करता हूँ और एक टेक्निकल अचीवर के मुकाम पे हूँ साथियों। तो मैं भी एक दो मैसेज देना चाहता हूँ। जब भी मैं अपने टीम में बातचीत करता हूँ, नए लोगों को प्लान दिखाता हूँ, तो बताता हूँ कि नेटवर्क के जो दो फायदे हैं, एक पैसिव इनकम, जिसके बारे में अभी आमिर सोहेल सर ने बताया कि पैसिव इनकम, एक शानदार पैसिव इनकम हम ले सकते हैं, और दूसरा ग्रोथ का, जो मैं बताता हूँ कि ग्रोथ, एक ऐसा ग्रोथ हमें मिलता है, हम जब जॉब करने की शुरुआत करते हैं तो हमारा माइंडसेट रहता है कि हम जब तक रिटायर ना हो जाए तब तक काम करें, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में 2 से 5 साल में हम ऐसे ग्रोथ को लेते हैं जहां पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है, जहां की हम अपने लाइफ को सिक्योर तो करते ही करते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम को भी प्राप्त करते हैं। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और आज जो भी नए साथी हमारे साथ जुड़े हैं, एकदम दिल लगा के अपने अपलाइन के साथ आप सभी लोग काम करिए। दो एक एग्जांपल से मैं आरसीएम आपको समझाना चाहता हूं साथियों, कि अभी सर बता रहे थे ना कि एक व्यवस्था है और ये बदलाव है, हम बदलाव के साथ आरसीएम बिजनेस को कर रहे हैं और एक बाजार व्यवस्था में बदलाव है। तो मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि बदलाव को अगर हम छोटे लेवल पे करेंगे, जैसे हम वैक्सीन लेने जाते हैं, अगर मुझे सुई लेना है, एक व्यक्ति को सुई दिलाना है अपने बच्चों को, तो मैं डॉक्टर के पास गया या नर्स के पास गया, वैक्सीन लेके आ गए। लेकिन अगर मुझे पूरे पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना है, जो आज कोरोना की वैक्सीनेशन हो रही है, तो अभी तक सरकार पिछले एक साल से साथियों प्रयास कर रही है, लेकिन अभी भी हम शायद बहुत ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाए, अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छूटे हुए हैं। तो आरसीएम भी इसी तरह की व्यवस्था है कि एक छोटा सा काम करना है हमें, अपनी अपनी अपने घर के सामान को बदलना है, दुकान को बदलना है, लेकिन अपना बदलना आसान है, लेकिन जब इसको हम बड़े पैमाने पर करते हैं तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अगर हम चीजों को सीख के करेंगे, तरीके से करेंगे, तो साथियों हम आरसीएम बिजनेस में इतिहास रच सकते हैं और नए मुकाम को हासिल कर सकते हैं। और मैं बस यही मैसेज देना चाहता हूं आज आए नए जुड़े सभी साथियों को कि आपको बहुत बहुत मेरी शुभकामना है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए और एक आप भी रॉयल्टी और टेक्निकल पे जाएं, ये मेरी पूरी शुभकामना है। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। खेमराज पटेल सर। जी सर, मेरा तो इतना फायदा मिला है कि न्यूट्री चार्ज मेरे को यहाँ खींच के ले आया था। मेरा जो राइट हैंड में ना इतना दर्द होता था और मैं उठा नहीं पाता था, लेकिन यहाँ का प्रोडक्ट मैं इस्तेमाल करके मेरे को जो फायदा मिला, उस दिन से मैं यहाँ प्रभावित हुआ और आज मेरे परिवार में जितना भी बदलाव आया है, जितना भी खुशहाली है, आरसीएम की बदौलत है। तो मैं दूसरों को भी सजेस्ट कर सकता हूँ और अपने टीम के जो सदस्य हैं उनके परिवार में भी कुछ खुशियाँ लाने की मेरा प्रयास है। रॉबिन सर, मैं आया कैसे? ऑलरेडी मैं बिजनेस ओनर रहा हूँ और साथ में सर मैं, जैसे अभी आपने कहा कि जॉब को छोड़ के इसमें आया, तो मैं भी अपना 2 जॉब छोड़ा हूँ प्राइवेट का, और साथ में पारा टीचर भी साइन किया था, उसको भी छोड़ दिया। एक्चुअली क्या है कि सर, ये सारे उतार चढ़ाव के बीच में अभी जो हम एक अभियान को देखते हैं, आज सबसे बड़ी समस्या है बीमारी और बेरोजगारी। तो सर एक ऐसा समय आया जो हम काफी बीमार हो गए, हम डायबिटीज के पेशेंट शिकार हो गए, फिर मेरी जितना भी मेहनत करना था डॉक्टर वैद्य, और लास्ट में ऐसा एक समय आया सर कि डॉक्टर ने हमें रेफर कर दिया किसी सरकारी हॉस्पिटल में। वहां से पूरे परिवार हमारा जो है मतम में था, कहिए तो मैं फिर वापस इस दुनिया में आया हूँ, तो आरसीएम के बदौलत है। मेरी आरसीएम में ज्वाइनिंग का एकमात्र ही था कि हमारे ग्रेट जो मेंटर हैं वो सरवन सर ही हैं जो सभी के चाहते हैं, और सर लोग हमारे पास आए हुए थे मात्र हेल्थ गार्ड तेल लेकर के, और सर ने हमें प्रमोट किया था कि सर आप ये तेल खाइए और आपको लाभ मिलेगा। तो सर हमें वो पल आज भी याद है, मैंने हाथ जोड़ा इसी तरह से और उनको कहा कि सर आराम से मरने तो दो यार, जब पूरी दुनिया का ट्रीटमेंट मैंने किया करवाया और ठीक नहीं हुआ, फिर आप कहते हो कि तेल खाने से ठीक हो जाएगा। क्योंकि साथ में हमें गैस का बहुत सारा समस्या था, बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम था, तो शुगर तो धीरे धीरे पता चलेगा वो आपका चेक करने के बाद, बट वो गैस जो हमको सर 5 लीटर तेल खाते खाते समझ में आ गई। फिर क्या हुआ कि हम थोड़े बचपन से जिद्दी आदमी रहे हैं, क्या हुआ कि सर हम दिल्ली गए वो त्यागराज स्टेडियम में, मैंने सर को फोन किया, सर बोला कि एकदम आ जाइए, फिर हम लोग दिल्ली गए, वहां से फिर समझे अपॉर्चुनिटी को, वहां से हम आज तक पीछे मुड़ के फिर कभी नहीं देखे। सर मैं नए लोगों को यह संदेश देना चाहता हूँ, जहां तक ज्वाइनिंग की बात है तो 20 साल पहले भी लोग यही बोलते थे आरसीएम नहीं चलेगा, आज भी लोग बोलते हैं नहीं चलेगा, और मेरे विचार से आने वाला 20 साल बाद भी लोग बोलेंगे नहीं चलेगा। हम समझ गए, हम लक्की हैं, आप समझ जाएं, आप लक्की होंगे। थैंक यू सर, जय आरसीएम। तो जय आरसीएम सर, और मैं सुबह लेता हूँ कोको पटा और एक छोटे नीति चार गमर जान लेता हूँ, नीति चार वो भी लेते हूँ, ये खा के मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत परेशान था मैं बीमार से, अभी बहुत अच्छा लगा। जय आरसीएम। वीरेंद्र ठाकुर सर। ये आरसीएम जब से मैंने जीवन में अपनाया है सर, इसके पहले मैं एक मैकेनिक का काम करता था, और ये बिजनेस देने वाले हमारे ही हमारे समाज बगल के हमारे बड़े भाई सहितानंद सिंह सर के द्वारा ये बिजनेस मुझे मिला, और इस बिजनेस को जब से मैंने समझा और जब से मैंने बिजनेस में पूरी इसका सिस्टम को समझा, तो मैं तन मन धन से लगा हुआ हूँ, मैं निरंतर इसमें आज इस बिजनेस को सीख रहा हूँ, और आज मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ कि आज हम जिस सिस्टम में हैं, आज इस कोविड में मैंने देखा कि लगभग 90% लोगों का बिजनेस कोलैप्स कर गया, खत्म हो गया, मगर आज आरसीएम बिजनेस
आज लोगों के घर में निरंतर इनकम पहुंचाने का काम किया, यानी हर 7 तारीख के अंदर लोगों के घर में इनकम चले जाता था, यानी जिनका जिस हिसाब से टर्नओवर है उस हिसाब से उनके घर में इनकम जाता था, और ये पता ही नहीं चला कि लॉकडाउन है। यानी इतनी पावरफुल सिस्टम आज हमारे पास है, और इस पावरफुल सिस्टम को जिस तरह से हम लोगों ने कोविड में जिस तरह से हम लोगों ने समय बिताया, मैंने दो लोगों को देखा कि उसकी स्थिति कितनी दयनीय हो गई। तो मैं सभी साथियों से मैं कहना चाहूंगा कि ये व्यवसाय एक व्यवसाय नहीं है, एक बहुत बड़ा, यानी इस व्यवसाय के माध्यम से पूरी समाज को हम रोजगार दे सकते हैं, पूरी समाज को एक सूत्र में जोड़ सकते हैं, एक ऐसा भाईचारा जो हमारे आदरणीय तीसरी सरकार का सपना है, एक ऐसा समाज का निर्माण करे जहां पर प्रेम भाईचारा हो, जहां हर आदमी एक दूसरे के प्रति एक अच्छा भावना रखे, एक दूसरे की तरक्की के विषय सोचे। इससे बेहतर कोई प्लेटफॉर्म हो ही नहीं सकता इनकम का। सुरेश दानसना सर। और मैं एक गवर्नमेंट जॉब में हूँ सर, और गवर्नमेंट जॉब करते हुए भी मैं सिस्टम को अपनाया हूँ सर, लगभग 2 साल हो गया सर। और मैं मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रहा था सर, मतलब पेट में मतलब दर्द हो रहा था, और 6-7 बार डेली मैंने लेटरिंग हो रहा था। तो मेरे गुरुदेव आए फेकें सर और बताए मेरे को कि ऐसे ऐसे होने से मतलब आपका पेट दर्द खत्म हो जाए लेटरिंग जाना, लेकिन गैस के कारण होता सर। लेकिन गैस होने के बाद भी मतलब कम से कम 1-1.5 महीना में मेरा मतलब जो लेटरिंग हो कमजोर 1-2 बार हो गया सर, और आज से जबरदस्त फिट हो सर। और मैं हेल्थ के लिए आया हूँ सर, पैसा तो ऐसे आता है सर मेरे पास, नौकरी जॉब है सर, लेकिन मैं हेल्थ के लिए आया हूँ सर, और कुछ करने की ठान रहा हूँ सर। जय आप नमस्कार। राव अजीत सिंह को लेते हैं। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच, आपने भी बहुत ही बखूबी इस सिस्टम के और इस इंडस्ट्री के पावर को समझा दिया है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे साथियों को अभी ये क्लियर हो रहा होगा कि इंडस्ट्री कितनी खूबसूरत। इनामुल सर के पास। डायरेक्ट सेलिंग उस समय कोई नाम नहीं था, कई सालों से हम जुड़े हैं, और आज पता नहीं किस तरह से काम किए, हमारे अपलाइन यही सिखाया कि इसमें अगर टिक जाओगे बेटा तो बहुत बड़ा कुछ होगा। तो हमने वही कसम खाया कि टिकना है, और टिकने का नतीजा है सर कि आज हम टेक्निकल अचीवर बने हैं, और मेरा बहुत बड़ा टीम बना है सर। और कैसे टीम बना ये हमें भी पता नहीं, लेकिन हमने लोगों से मिलता रहा, रिजेक्शन हमें ये सिखाया कि नहीं और बड़ा कुछ करना है। जब जब हमें रिजेक्शन मिला वहां से एक जीत तैयार हुआ, एक जीत पैदा हुआ, और हमने इस सिस्टम को लगातार किया, और पग 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 हमारे अपलाइन में गाइड किए। और हमने सर अपना जैसे अपलाइन बोले कि डायमंड क्लब करना है, तो हम कई साल से रेगुलर डायमंड क्लब कर रहे हैं, लेकिन अब हमें लग रहा है कि डायमंड क्लब से नहीं चलेगा, हमारे अपलाइन तो 1-1.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम करते हैं, तो हमें सर को छूना है, यही मेरा एक टारगेट है सर। और सब अभी जितना भी मेरे साथ लोग जुड़े हैं सबके लिए हम काम कर रहे हैं सर। जय सिंह। इमरान सर के पास। सर हमारे बराबर कहते थे कि ड्रेस कोड में रहें, तो कि ड्रेस कोड का वो वैल्यू है कि मैं एक बार चला गया कोर्ट के अंदर, तो पहले भी जाता था बिना ड्रेस का, लेकिन अहमियत नहीं देते थे। वो जब मैं ड्रेस में गया तो उन्होंने कहा है कि आइए सर, तो ड्रेस का वो वैल्यू है सर। आरसीएम ड्रेस में लाके सर जब वहाँ ड्रेस में गए थे, इतना मुझे रिस्पेक्ट मिला सर की, फिर मुझे वो सर सर बोलने लगे, तो मेरा काम पूरा हुआ सर, फिर मैं वापसी आया। तो मैं आरसीएम को सल्यूट करता हूँ दिल से सर, कि आरसीएम को किसी भी तरह किसी भी सफर में नहीं छोड़े सर, हर हाल में अपने गला लगा कर रखे सर, जहाँ जाना है सर सफर तो तय हो ही जाएगा सर। थैंक यू। गुलरेज खान। पहले मैं प्राइवेट जॉब करता था और उसके अंदर 35,000 सैलरी मिलती थी, और जून 2021 में मेरे बड़े भाई के द्वारा मुझे ये बिजनेस करने का मौका मिला। और इसके अंदर मैं जो नए साथी उनको यही कहना चाहूंगा कि एक जो जॉब करते हो, जॉब के अंदर तो आप 35,000 या जितनी भी सैलरी रहती है उतनी फिक्स रहती है, लेकिन अगर इस डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हो तो इसके अंदर आप आपकी सैलरी खुद डिसाइड कर सकते हो कि कितनी सैलरी आपको लेना है। और मैंने ये देखा है पिछले 2-3 महीने में कि मैंने जितना डिसाइड करा उतना मुझे मिला है, और जितना पैसा अपन डिसाइड कर सकते हैं उतना यहाँ से कमा सकते हैं। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है काम करके, और आगे सभी को कहना चाहूंगा कि अच्छे से काम करें बस। महादेव परवन सर। सर मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि ये समय जो है ना ये बहुत ही कीमती है सर, समय बहुत ही मूल्यवान है सर। तो जैसे मैं भी अभी मैं गवर्नमेंट कुछ जॉब कर रहा हूँ, छोटा मोटा जॉब कर रहा हूँ, पैसा खुद ही कम है, लेकिन मैं वहाँ उससे ज्यादा जॉब में जॉब करता हूँ, तो मैं हर टाइम में बिजनेस के बारे में ही बात करता हूँ, हर प्रोडक्ट के बारे में बात करता हूँ। तो प्रोडक्ट को मैं अच्छी तरीके से मैं सेल कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरे समय नहीं हो रहा है कि बिजनेस को मैं कैसे आगे लेके चलूँ, ये है बहुत मुश्किल है सर। और जैसे मैं शादी भी किया तो एक साथ में 2 बच्चे आ गया सर, इसको संभालना भी पड़ता है परिवार को, और ये थोड़ा तकलीफ है। तो मैं इसीलिए मैं सबको मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि समय को मत गवाइए, अगर नौकरी मिल भी जाएगा ना फिर भी आप लोग ये नौकरी को अच्छा नहीं लगेगा, कोई बिजनेस करने का मन चाहेगा, जो जमाना जैसा आ गया बहुत खर्चा पड़ता है सर एक एक परिवार में। तो इसीलिए मैं बोलना चाहता हूँ समय को मत गवाइए सर, ये अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है सर, इसको प्रोडक्ट का साथ में बिजनेस को हम लेके चलेंगे हर प्रकार से। जय सिंह। जय सोहन लाल महतो सर। इस सिस्टम में हमने भी अपने स्वास्थ्य को सुधारने के लिए आया था सर, और वह जिंदगी हमको मिला। आज हम पत्नी से ज्यादा प्यार करते हैं इस राइस ब्रांड ऑयल को सर, कि इसी का देन है कि आज धरती में मैं हूँ। और इसी के साथ साथ बयान करते हुए आज रॉयल्टी अचीवर भी हूँ सर, तो इसीलिए आज सभी लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि अपने जीवन को बचाने के लिए इस सिस्टम में आते हैं, अपनी जिंदगी तो बच जाती है लेकिन लोगों का जिंदगी बचाना शुरू कर दे तो निश्चित तौर पर अपना कामयाबी भी मिल जाती है। इसलिए इस तरह के काम को कोई भी आदमी
दरकिनार न करें सर। शिव कुमार केसरी सर के पास। प्राइवेट जॉब के संग बिजनेस हमारे लाइफ में आया था और शुरुआत में तो सभी को समझ में नहीं आता है, लेकिन जब हम पहली बार एकेडमी अटेंड करने भिलवाड़ा गए थे तो किसी सर की एक बात हमको अभी भी याद है, मैं अपनी मीटिंगों में भी बोलता हूँ कि आज नैतिक रूप से तो आजाद हो गए हैं लेकिन हम कहीं ना कहीं से आर्थिक रूप से आजाद नहीं है। उनकी ये बातें मेरे दिल में घर कर गई और उस समय से आज तक मैं लगातार सिस्टम को खोलता हूँ और आज बिजनेस का फाउंडर फ्रेम अचीव है तो कह सकता हूँ कि मैं आर्थिक रूप से खुद को तो आजाद कर ही रहा हूँ और साथ साथ में अपनी टीम को आर्थिक रूप से आजाद में बहुत बड़ा सहयोग दे रहा हूँ। और ये अगर सिस्टम ना होता तो आज हम कहीं ना कहीं प्राइवेट जॉब में धक्का खा रहे होते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद इसी सर को देते हैं सर। अमृत लाल मीना सर। कि हमारे ऐसे आम लोगों के लिए जिनका कोई कुछ लेने वाला नहीं उन लोगों के लिए आपने सोचा और ये सिस्टम हमको दिया। और ये सिस्टम मैं पुराने नए साथियों को कहना चाहता हूँ कि ऐसा सिस्टम भारत में तो नहीं है लेकिन पूरी धरती पे नहीं है, इतना बड़ा सिस्टम है। सर मैं BSNL में नौकरी करके रिटायर हुआ हूँ और अब मैं 71 पार कर चुका हूँ और 71 पार करने के बाद मुझे ये सिस्टम मिला है और इस सिस्टम के माध्यम से मैं कई लोगों को इस सिस्टम में लाया हूँ और मैं इतना अपने आप को इस सिस्टम में रह करके अपने आप में जवानी के रूप में काम कर रहा हूँ। और ये सिस्टम मेरे जो साथी आए हैं नए साथी वो कभी नेगेटिव नहीं रहे हैं और लगातार इस सिस्टम में रहेंगे तो आपका जीवन परिवर्तन होगा। ये सिस्टम ये RCM आपके जीवन के साथ भी है और जीवन के बाद भी है, आपके लिए भी है, आपके परिवार के लिए भी है और आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए है। आपको बहुत कुछ मिलता है, यहाँ केवल पैसा नहीं मिलता, यहाँ बहुत कुछ मिलता है, मान सम्मान मिलता है, इज्जत मिलती है, स्टेज मिलता है और प्रेम भाव मिलता है, भाईचारा मिलता है। और कहते हैं कि हमारे जितने भी RCM के जुड़े हुए वो सारे हमारे एक परिवार बन गया है। तो मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ मेरे गुरुदेव को कि ऐसा सिस्टम आपने दिया। बाकी तो आप जैसे बड़े बड़े उद्योगपति हैं किसी ने हमारे लिए नहीं सोचा, किसी आम आदमी के लिए कुछ नहीं सोचा, लेकिन आपने ये सिस्टम दिया है, हम बहुत धन्य हो गए हैं। और मैं तो ऐसा कहता हूँ गुरुदेव कि मुझे ये सिस्टम पहले क्यों नहीं मिला, इतना लेट क्यों मिला, फिर भी मैं आज इस उम्र में भी है सिस्टम जीवन प्रयत्न करता रहूंगा और मेरे साथियों को बताता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद JRCM। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप तो सर बहुत लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं कि 71 साल की उम्र में अगर आप RCM कर रहे हैं और आपकी एनर्जी को देखकर मुझे लगता है बहुत सारे यूथ जो आज नए जुड़े हैं ना उनको ये इंस्पिरेशन मिलने वाली है। ये RCM का ही पावर हो सकता है कि 71 साल की उम्र में भी लोग इतने एनर्जी में रहते हैं, इतने एंथुजियाज्म में रहते हैं, इतने एंथुजियास्टिक रहते हैं। ये एनर्जी जो है ना बस RCM ही दे सकता है, RCM का एक कल्चर ही दे सकता है जहां पे पैसों के लिए काम नहीं किया जाता, जहां पे लोगों के लिए काम किया जाता है। और जब लोगों के लिए हम काम करते हैं ना तो अंदर से वो शक्ति पैदा होती है जो हमें एक नए तरीके से काम करने को तैयार कर देती है। थैंक यू सो मच अमृत लाल सर, आप वाकई में आपको देख करके बहुत इंस्पायर होता हूँ सर, आप इस उम्र में कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। सर सोहन लाल महतो सर। विजयकांत सर के पास चलते हैं। जो पैसे की अहमियत नए साथियों से ये कहना चाहता हूँ कि आप पैसे की अहमियत ना दें, यहाँ मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा हर कुछ है। इस प्लेटफॉर्म पर आने के बाद आपको वो मिलेगा जो आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। एक इंसान की संपूर्ण विकास इसमें यहाँ छुपा हुआ है, वो अपने चारित्रिक विकास, अपने नैतिक विकास, आर्थिक विकास, जो भी विकास करना चाहे सारी विकास यहाँ होती है। इस ये एक ऐसा मात्र प्लेटफॉर्म है जो एक मानव को महामानव बनाता है, सारी आजादी देती है, सारी खुशियां देती है। धन्यवाद सर। परशुराम सिंह सर। मैं सर अभी प्राइवेट जॉब करता हूँ सर, है ना। इस जॉब के साथ साथ मैं मनी फ्रीडम, हेल्थ फ्रीडम और इकोनॉमिक फ्रीडम के लिए जो है काम करता हूँ सर। सबसे बड़ी बात सर मेरे साथ ये है कि मेरा पेट खराब रहता था। पेट खराब रहने के साथ साथ मेरे जो अपलाइन है जो अजीत आजाद सर है वो मेरे को बताया कि इसके आने से आपका जो है पेट जो है सही हो जाएगा, है ना। तो मैं बायो एज लिया सर, है ना, करीब 2 महीने लिया तो मेरे साथ जो है से पेट की बीमारी जो है से सॉल्व हो गई सर। तो मैं अगले लोगों को यही बताना चाहता हूँ ये कंपनी का ऐसा सिस्टम है कि ऐसा सिस्टम कहीं नहीं मिलता है जो लोगों को टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और हेल्थ फ्रीडम, तीनों तरह के जो लाइफ से रिलेटेड है वो आदमी को देता है। राजू दादा कहते ना जहाँ होते हैं हौसले वहाँ होते हैं रास्ते, ये बिजनेस नहीं है उन बुजुर्गों के वास्ते। सर मैं एक इतना गरीब परिवार का, इंदिरा आवास मेरा बना हुआ था, अनपढ़, और कहते ना कि गाय भैंस चरा करके अपना जीवन चलता था। अगर कहें तो सारे अभाव थे मेरे पे, लेकिन इस सिस्टम में 2004 में आया मैं और यहाँ आकर के मेरा ऐसा लगन लगा, मेरे जो सपने थे जो पहले तो कुछ भी सपने नहीं थे, लेकिन इस सिस्टम में आकर के मैं यहाँ पे करोड़पति से करोड़पति बना। और यहाँ कहते ना ये बिजनेस मेरे लिए 8वां अजूबा है। 662 से मेरा सफर हुआ, मैं 2.75 लाख का महीने का मेरा इनकम हुआ। आज इंदिरा आवास में न रह करके एक BIP कॉलोनी में आज मेरी 1.5 करोड़ की कोठी है।
मेरी मेन साहब भी आज जो सब्जी लेने जाती हैं तो भाई फोर व्हीलर जाती हैं, मतलब इसने मेरे जीवन को इतना बदल दिया। और शादी से पहले यानी कि शादी के बाद में जैसे हुआ तो बहुत सारी कलह, खाना नहीं पकता था, घर में कलेश होती थी। एक दिन तो मैं गंगा किनारे चला गया कि मैं आत्महत्या कर लूं, लेकिन इस बिजनेस में आकर के मेरे को वो सपने जगाए। उस समय कोठारी जी का लगभग 3.5 लाख का चेक होता था, उनके माध्यम से मेरे सपने जगाए और मेरे को मौका मिला एक माउंट आबू में जाने का। तो मैं इतना हैवान था, मैं इतना क्रूर था और वहां जाकर के मैं एक अच्छा इंसान बना। और आज मैं पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन आज मेरे बच्चे मेरे को पढ़ाते हैं, मेरे को हिंदी पढ़ाते हैं, मेरे को इंग्लिश पढ़ाते हैं, मेरे को लैपटॉप चलाना सिखाते हैं, मेरे को मोबाइल चलाना सिखाते हैं, मेरे को पीपीटी बनाना चलाते हैं, मेरे को मैं जाकर के क्या नाम है, मतलब मेरे आज प्रोग्राम इतना मतलब जूम पे सब होते हैं। मैं आज यही कहता हूँ कि मेरे जीवन में जो चुनाव मतलब जिस एंगल से मेरा बदला हुआ है, मेरी जिंदगी में जो बाहर आई है, वो आपके में भी आ सकती है मेरे दोस्तों। क्योंकि वो जीवन मैंने गरीबी का देखा है, जहाँ खाना होता नहीं, पकता नहीं था, मेरे बच्चे रोते थे, लेकिन इस जीवन में इस माहौल में। और आज मैं वो बोलते कि इस सिस्टम के हमारे 3 संकल्प हैं, बेसिक स्वास्थ्य रक्षा, आत्मनिर्भर मतलब अपने पैरों पर खड़े होना और एक नए भारत का निर्माण करना, ये हमारा बहुत बड़ा उद्देश्य है दोस्त। आज हम बहुत सारे लोगों को आज भी कहें, आज लाखों लोग हैं अपने ग्रुप में जिनको इनकम आती है, आज भी करोड़ों का टर्नओवर है इससे, बहुत सारे लोगों में आज करीब करीब 1.5 करोड़ मेरे डाउन में बढ़ता है। आज इतना बड़ा मेरे को फक्र होता है, मेरी इनकम तो लाखों में आती है, लेकिन मेरे गर्व उससे लाखों में नहीं आती है, लेकिन मेरे डाउन में करोड़ों बढ़ता है, ये मेरे को फक्र होता है। और मैं आप सभी नए लोगों से कहना चाहता हूं कि आज हम नंबर 1 कंपनी में है, नंबर 1 प्रोडक्ट है, नंबर 1 सिस्टम है, और हर आदमी नंबर 1 सिस्टम में खेलना चाहता है। तो मेरे नए साथियों दोस्तों, आप आओ नंबर 1 बनो, और मैं अपने क्षेत्र का नंबर 1 इंसान हूं, आप भी अपने क्षेत्र का नंबर 1 इंसान बनो। जय हरसिंह, धन्यवाद। खिलराज हो जाए सर आप आए। तो ऋषि जी ने एक बात मेरे को बोले कि ये बिजनेस नहीं है, ये इंडिया भारत को सुधारने के लिए और लोगों को आर्थिक आजादी दिलाने के लिए अभियान है। तो उसी दिन से मैंने गांठ बांध ली, अब मेरे को टेक्निकल बन के मेरे को फिर दूसरा रास्ता तय करना है। तो मैंने 2 साल के अंदर में डायरेक्ट 6% रेवेन्यू पार करके मैं टेक्निकल कवर किया था। तो मेरा जीवन ऐसा गुजरा था सर, क्योंकि मैं आरसीएम करते एक मेरा मसीहा है, आरसीएम मेरा मिशन है, आरसीएम मेरा बिजनेस, एक मिशन के हिसाब से मैं काम करता हूँ। क्योंकि आरसीएम केवल बिजनेस नहीं है, ये देश का लिए एक शान है, जैसे अमिताभ बच्चन शान है, सचिन शान है, इसी तरह से आरसीएम टीसी जी और आरसीएम बिजनेस का देश का शान है। एक दिन दुनिया आरसीएम को सलाम करेंगे। मैं आरसीएम को कभी बिजनेस मानता ही नहीं हूँ, और मैं जो भी साथी जो मेरा बात को आप सुन रहे हैं, ये एक मौका है, इस मौका से हम लोग को चुकना नहीं है। और हर साथी को मैं आज एक चीज में बताने चाहूंगा, आप एकलव्य बन के काम करना चाहिए। अर्जुन दुर्शासन दुर्योधन नहीं बन रहा है सर, कोई अपलाइन का इंतजार ना करे, और सब साथी अपना लक्ष्य निकाल बना के अपना टारगेट लेके काम करे। धन्यवाद। ओम प्रकाश, दिल्ली सर, दिल्ली। और न्यू साथी के लिए मैं भी एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ। ये आरसीएम बिजनेस नहीं है दोस्त, एक जीवन है, ये मेरे को एक जीवन के रूप में मिला था। मैं 2008 में रीनल ट्रांसप्लांट कराया, मेरी सारी सपना मर चुका था, लेकिन इस बिजनेस को जब मैंने महसूस किया, और भारत के भाग्य विधाता मैं तो बोलता हूँ आदरणीय टीसी सर से जब मैंने मिला, तो लगा मैं रियल में जो सपना बाकी है इस प्लेटफॉर्म पर आकर इंसान पूरा कर सकता है दोस्त। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि इस बिजनेस की एजुकेशन लीजिए। एक्चुअली इस बिजनेस में पहले से एजुकेशन में डाला जा रहा था, तो हम लोग जैसे लोग आज बहुत सारे लोग इस बिजनेस में सफल होते। 2006 में दोस्त ये बिजनेस किसी के माध्यम से आया था, मैंने नहीं समझा, मेरे को लगता था कि समाज में जो फालतू लोग हैं वो लोग इस टाइप के बिजनेस करते हैं। एक्चुअली एजुकेशन नहीं था, लेकिन मैं पीछे बिहार से हूँ, लेकिन मैं दिल्ली में दोस्त सेटल हुआ, मैं लाखों रुपया कमाने लगा, लगभग 50 लाख रुपया मार्केट में इन्वेस्ट किया। तो एक व्यक्ति जबरदस्ती इस बिजनेस में मेरे को लाया। मैं आप सभी से एक ही मैसेज दूंगा न्यू साथियों से, दोस्त आप एक बार इसको महसूस करो, आपके पास जो भी ड्रीम है ना, इस प्लेटफॉर्म पर आकर एजुकेशन लेकर आप अपने सपना को पूरा कर सकते हो। आप सीखो, हेल्थ पर बहुत सारा काम हम लोग कर सकते हैं। थैंक यू। अशोक कुमार दास सर, 4 साल पहले मैंने इस बिजनेस को शुरुआत किया था, मेरे बड़े भाई साहब के माध्यम से मेरे लाइफ में ये बिजनेस आया। तो मुझे सबसे पहले इनका जो फर्स्ट लाइन था, इनका जो 3 मिशन बताया गया था, नए भारत का निर्माण और स्वावलंबन, ये मुझे दिल का घर कर गया। और ये सोचकर मैंने सिस्टम में कदम डाला, मैंने शुरुआत किया, और उनका जो प्लान पहली बार जो मुझे दिए थे, तो उनका जो बात मुझे दिल में ऐसा लगा कि ये हमें नहीं, हमारे देश के हर वासी को जरूरत है। क्योंकि उन्होंने एक बात बताया था कि हम कहीं ना कहीं से खाते हैं, यहाँ से खाना है। आज तक हम 80% आम आदमी, 20% लोग अमीर बनाते जा रहे हैं, ये मेरे दिल को छा गया। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हम 80% आम आदमी को आगे बढ़ने का मौका मिले, ये सोचकर मैंने सिस्टम को शुरुआत किया। आज मैं रोटी जैसे मुकाम पर हूँ, और आज मैं मिशन बनाकर काम कर रहा हूँ, और मैं आगे भी बहुत सारे लोगों को मैं लेकर चलूंगा। थैंक यू भैया। शिवानी भोंडे, शिवहरी भोंडे सर। सर हम गवर्नमेंट जॉब में थे,
और रिटायरमेंट के तो मतलब जो दीवार थी वहां पर हम पड़ गए थे, तो या जो पेंशन है तो पेंशन वाले को टेंशन नहीं रहता, लेकिन हमारे हमें टेंशन जो था हमारे लड़के का टेंशन था। हमने कहा कि हमें तो नौकरी इजीली लग गई, लेकिन हमारे लड़के का क्या होगा, क्योंकि इधर उधर हम देख रहे थे तो बड़ी बेकार परिस्थिति। इसलिए भिलवाड़ा जाके सिस्टम को समझा जाना और बिल्कुल बिन दिक्कत अभी कर रहे, तो हमें टेंशन ही नहीं रहा कि हमारे लड़के का भी टेंशन नहीं है। हमारे हम उम्र के जो लोग है हम उन्हें यही दरख्वास्त करते हैं कि देखो साथियों, अपनी तो जैसे वैसे चल जाएगी, लेकिन अपने भविष्य के लिए, अपने लड़कों के भविष्य के लिए तो हमें आश्रम करना है, दूसरा ऑप्शन कुछ भी नहीं है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। और अब मैं बोलूंगा कि हमारे बीच में वापस से रिस्पेक्टेड सर आए और नए साथियों के लिए कोई मैसेज है, समय आखिरी हो गया सर। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, आज बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हमें सुनने को मिली, आज बहुत शानदार सेशन रहा। और नए साथियों को और नए क्या, मेरे ख्याल से पुराने साथियों को भी आज एक नई एनर्जी जरूर मिली है, और आज सिस्टम का महत्व और बहुत सारा एक अलग तरह से सब्जेक्ट को आज हम ले पाए, तो इसका लाभ तो हम ले सकते हैं। ये बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और यूँ कहता हूँ कि पूरी दुनिया आपकी मुश्किल है, लेकिन इसके लिए करना है उन चीज़ों को जरूर ध्यान रखें कि हमें प्रोडक्ट का इस्तेमाल, प्रोडक्ट की सेल और टीम को धीरे धीरे बढ़ाते जाना है, टीम मैनेजमेंट, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको सीरियसली, यही आपकी पूंजी है, यही आपकी फैक्ट्री है, यही आपका बिजनेस है, इसी से सारा सब कुछ होने वाला है। जितने भी सफल साथियों के स्टेटमेंट्स सुने हैं उनका यही, वो इन्हीं चीज़ों को सीरियसली करते हैं तो वो सक्सेस हो गए, और जो सीरियसली नहीं करते हैं तो उसका तो कोई इलाज किसी के पास नहीं हो सकता है। तो सीरियसली इन चीज़ों को करें सभी साथी, तो बहुत कुछ तो आपको समस्या है नहीं, चुनौती बड़ी नहीं है, और उसके लिए सीखने के लिए भी आप यहाँ निरंतर आ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, स्वागत है।